नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, MP हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डिसीजन है, हालांकि दोस्तों पूरा डिसीजन नहीं है, डिसीजन अभी बाद में होना है, लेकिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना जो है घटी है, वही इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, MP हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो ऑर्डर दिया था कि 2023 के जो प्री के दो सवालों को गलत माना गया था, इसमें एक क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया था, एक क्वेश्चन का जो है आंसर दी अलग चेंज किया गया था। जो क्वेश्चन डिलीट किया गया था उसके नंबर सबको जो है मिलने थे, साथ में ये कहा था और जवाब में सुधार कर के आदेश जो है दिए थे, और ये भी कहा गया था कि जो प्री का रिजल्ट है फॉरेस्ट वाला खास करके, क्योंकि अभी इसका जो मेंस है वो हुआ नहीं है, वो फिर से जारी किया जाए, और सिविल सर्विस के प्री के रिजल्ट के भी फिर से जारी करने की बातें की जा रही थी। तो दोस्तों अब हुआ क्या है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के ऑर्डर पर शुक्रवार को जो है स्टे हो गया, यानी कि दोस्तों कल जो है इस पर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक जो है, जो भी फैसला सिंगल बेंच की बेंच पीठ ने दिया था उस पर जो है रोक लगा दी है। सिंगल बेंच का ऑर्डर बुधवार को जारी हुआ था, PSC ने गुरुवार को अवकाश के दिन रिट अपील दायर की और शुक्रवार को मेंशन लिया, और 2 मिनट की सुनवाई के बाद ही सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे हो गया। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलमट और जस्टिस विशाल मिश्र की डबल बेंच में हुई थी। रवि मलमट जी जो चीफ जस्टिस हैं और विशाल मिश्र जी की डबल बेंच में जो है हुई। अंशुल तिवारी इस केस में उम्मीदवारों के अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले में कोर्ट से समय मांगा क्योंकि याचिका तेजी से लगी है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक का समय दें, इस पर चीफ जस्टिस ने समय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर जो है स्टे लगा दिया, आने वाले समय में इस मामले में सुनवाई होगी और फिर फैसला होगा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के ऑर्डर में प्री परीक्षा 2023 के दो सवालों को गलत माना गया था, इसमें एक को डिलीट किया गया कर सभी को 2 अंक देने और एक के जवाब को सुधार कर अंक देने के जो है आदेश दिए गए। साथ ही कहा था कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 का प्री का जो है रिजल्ट फिर से जारी कर मेंस ली जाए, लेकिन अब इन सभी बातों पर स्टे हो गया है। यदि स्टे लंबा चला तो फिर MPPSC 30 जून को राज्य वन सेवा मेंस कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा और यह परीक्षा तय समय पर होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो MP हाई कोर्ट का पहले का जो फैसला था उस पर जो है रोक लगा दी है डबल बेंच ने MP हाई कोर्ट की, और अब दोस्तों इस पर आगे जो है सुनवाई होगी, अभी तो केवल रोक जो है लगाई है, और यदि दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो लग रहा है कि MPPSC जो है एग्ज़ाम फॉरेस्ट मेंस का करा लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।